कि पटेल के साथ नेहरू ने जो किया था वो ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आप तय नहीं कर पाएंगे कि आपको गुस्सा ज्यादा आ रहा है या दुख ज्यादा हो रहा है। पटेल की बेटी से 35 लाख लेकर नेहरू चुप क्यों रह गए? पटेल के अंतिम संस्कार में कांग्रेसियों को जाने से क्यों रोक रहे थे नेहरू? और सरदार पटेल न होते तो भारत का नक्शा वो नहीं होता जो आज है। इतने महान व्यक्ति को आज कितने लोगों ने याद किया, सोचिए। और सरदार पटेल की जब बात कर रहा हूं, देश के नक्शे की बात कर रहा हूं, तो ये याद रखिए कि जब देश को आजादी मिली थी तो 550 से ज्यादा राजे, रजवाड़े और रियासतें थी। बिना राजाओं को खत्म किए ये सब राजे, रजवाड़े, रियासतें अगर किसी ने भारत में मिलाई और पूरा देश एकजुट किया, एकीकरण किया, एक भारत बनाया, तो वो थे सरदार पटेल। आज उन्हीं सरदार पटेल का जन्मदिन है। लेकिन उन्हीं सरदार पटेल के साथ क्या क्या हुआ, और करने वाला भी कोई और नहीं, जवाहरलाल नेहरू। ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि कोई सरदार पटेल जैसे नेता के साथ भी ऐसा कर सकता है, वो भी तब जब सरदार पटेल नेहरू से बहुत सीनियर थे, उम्र में 14 साल बड़े थे। सरदार पटेल गांधी से तब मिले जब नेहरू मिले तक नहीं थे। यहां तक कि नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू की नजर में भी सरदार पटेल हीरो थे। लेकिन फिर भी नेहरू ने पटेल के साथ जो जो किया, उनके परिवार के साथ जो जो किया, आज उसकी एक एक डिटेल जब आपको बताऊंगा तो आपको बहुत बहुत दुख होगा और बहुत गुस्सा भी आएगा। लेकिन यह सब आपको डिटेल में बताऊंगा, उससे पहले आपसे एक सवाल करता हूं। आप नेहरू, उनके परिवार के बारे में बहुत जानते हैं, जैसे मुगलों का इतिहास सबको पता है, लेकिन हिंदू राजाओं का नहीं पता था, चोल राजाओं का नहीं पता था, हमने बताना शुरू किया। वैसे इस देश में कुछ चीजें हैं जो सबको पता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो देश को जाननी चाहिए, नहीं पता होती। तो नेहरू और उनका परिवार सबको पता है, लेकिन क्या आपको सरदार पटेल के परिवार के बारे में कुछ भी पता है? आज मैं आपके सामने पहले सरदार पटेल और उनके परिवार के साथ नेहरू जी ने क्या किया वो रखूं, उससे पहले आपको एक बेसिक चीज दिखाता हूं। जरा फैमिली ट्री देखिए, फैमिली ट्री, और आप अपने आप से सवाल पूछिए कि जिस आदमी ने, जिस पटेल जी ने पूरा देश जोड़ दिया, क्या उनके साथ ये होना चाहिए? सबसे पहले जवाहर लाल नेहरू और कमला नेहरू, ठीक है? और जवाहरलाल नेहरू पीएम रहे, ये तो किसी से छुपा नहीं है। इसके बाद इंदिरा गांधी, उनकी बेटी, और फिरोज गांधी जो इंदिरा गांधी के पति थे, ये भी आपको पता है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। इंदिरा गांधी भी प्राइम मिनिस्टर रही, ये किसी से छिपा नहीं है। इंदिरा गांधी के नीचे राजीव गांधी, ठीक है, और इधर ही संजय गांधी, ठीक है। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर रहे, किसी से छिपा नहीं है। संजय गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, लेकिन पूरी सत्ता एक तरीके से अपने हाथ में लेकर उन्होंने रखी थी। इमरजेंसी, पूरी तरह से इमरजेंसी में देश वही चला रहे थे, ये सबको पता है। राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन रही और एक तरीके से पूरी 10 साल सरकार उन्होंने चलाई, किसी से छिपा नहीं है। संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी सांसद हैं, और इनके बेटे कौन है? वरुण गांधी, ये भी सांसद हैं, और इनके बेटे राहुल और प्रियंका। कोई ऐसा नाम बताइए जिसके बारे में आपको नहीं पता। ये नेहरू परिवार की आपको वंशावली बता रहा हूं, फैमिली ट्री बता रहा हूं। अब मैं एक चीज लिखता हूं, सरदार पटेल। अब जरा मुझे बताइए, सरदार पटेल के कितने बच्चे? आपको नहीं पता, 99% लोगों को नहीं पता। लानत है इस देश में, शर्म से डूब मरिए। जिस आदमी ने, लौह पुरुष ने देश को एकीकृत किया, उसके परिवार के बारे में आपको पता ही नहीं। दो संतानें थी,
नाम तो भूल ही जाइए, जब कितने बच्चे थे यही नहीं पता, नाम क्या याद होगा? सरदार पटेल के दो बच्चे मणिबेन, मणिबेन पटेल पूरा लिख देता हूं, मणिबेन पटेल, और दूसरे उनके बेटे डाया भाई पटेल। मणिबेन बड़ी बेटी और डाया भाई जो है वो छोटे थे। आप सोचिए, हम सरदार पटेल का जन्मदिन मनाना भूल जा रहे हैं, उनका परिवार नहीं जानते, और इधर एक नेहरू परिवार, क्या नहीं मिला इस परिवार को, इस देश ने क्या नहीं दिया इस परिवार को, और ये सरदार पटेल कुछ नहीं, जीरो, खत्म, परिवार का नाम तक नहीं पता। क्या हैं हम लोग भाई, इतने खुदगर्ज लोग, इतने एहसान फरामोश लोग हम लोग कैसे हो सकते हैं? सोचिए, पूछिए अपने आप से। और जब आपने सरदार पटेल के परिवार को भुला दिया तो आज मैं याद कराऊंगा। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद मणिबेन पटेल की आर्थिक हालत ठीक नहीं, सुनिए नेहरू जी ने क्या क्या किया है। इसलिए वो अहमदाबाद में अपने रिश्तेदारों के घर रहने चली गई। ऐसी हालत थी सरदार पटेल की बेटी की, दोनों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूं, आपने कभी इनकी फोटो भी नहीं देखी होगी, 99% दर्शकों ने नहीं देखी होगी, ये मणिबेन पटेल हैं और ये उनके बेटे हैं डाया पटेल। तो ऐसी हालत थी पटेल साहब की बेटी की, इतनी आर्थिक रूप से कमजोर थी कि अपने रिश्तेदारों के घर रहने चली, और उनकी इस हालत को देखकर कांग्रेस के एक नेता त्रिभुवन दास पटेल, नेहरू जी ने नहीं, त्रिभुवन दास पटेल ने उनसे कहा कि आप सांसद का चुनाव लड़ लीजिए। त्रिभुवन दास की मदद से मणिबेन पटेल 1952 में हुए पहले आम चुनाव में खेड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत गए। यह सरदार पटेल का गांव था जहां से वो चुनाव लड़ी, अब पिताजी के लिए इतना प्यार था तो वो जीत गई। इसके बाद वो 1957 में आणंद सीट भी जीत गई, लेकिन नेहरू ने उन्हें कभी मंत्री पद तक नहीं दिया। नेहरू जी का परिवार देख लीजिए, खुद प्राइम मिनिस्टर, बेटी प्राइम मिनिस्टर, बेटी का बेटा प्राइम मिनिस्टर, उनका बेटा भी बनने का प्रयास कर रहा, बन नहीं पाया, लेकिन हो सकता है कभी बन जाए, ये है प्राइम मिनिस्टर। और ये संजय गांधी, ये भी स्यूडो प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तो इससे नीचे इनके घर में कोई है ही नहीं। और यहां ये हालत है कि मणिबेन पटेल जो है परिवार के साथ गरीबी में रह रही है, कोई नेता कह रहा है कि सांसद का चुनाव लड़िए, जीत जा रही है, लेकिन नेहरू मंत्री पद नहीं दे रहे। नेहरू की बेरुखी की वजह से कांग्रेस के बहुत से नेता मणिबेन पटेल से बचते थे। नेहरू की मृत्यु के बाद वो राज्यसभा में भेज दी गई, लेकिन वहां भी वो कांग्रेस की बेरुखी झेलती रही, और इस व्यवहार से तंग आकर उन्होंने 1970 में कांग्रेस को छोड़ दिया। और जब 1970 में मणिबेन कांग्रेस छोड़ रही थी, कांग्रेस से तंग आकर इंदिरा गांधी ने उन्हें रोका नहीं। इसके बाद उन्होंने मोरारजी देसाई के गुट में शामिल होकर चुनाव लड़ा और जीती भी। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सांसद चुने जाने के बाद भी मणिबेन की हालत में सुधार क्यों नहीं हुआ, उसके बारे में अभी आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सरदार पटेल के बेटे डाया भाई के बारे में बताता हूं, जिन्हें नेहरू की वजह से कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ा। बेटी ने भी कांग्रेस छोड़ दी और सरदार पटेल के बेटे ने भी पार्टी छोड़ दी। डाया भाई पटेल थोड़े बगावती थे, इसलिए उन्होंने जल्दी राजनीति में प्रवेश किया, और साल 1939 में पहली बार बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सदस्य चुने। 15 साल तक निगम के सिर्फ सदस्य बने रहे, वार्ड मेंबर, और 1954 में जाकर बॉम्बे के मेयर भी बने। लेकिन सरदार पटेल की मृत्यु के बाद नेहरू ने उन पर भी कोई ध्यान नहीं दिया, और इस व्यवहार को देखते हुए उन्होंने 1957 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तो जिन पटेल ने अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी उनकी होती वो उठा के दे दी नेहरू जी को, उनके परिवार को नेहरू जी कुछ नहीं दे पाए, कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं दे पाई, उनके दो बच्चे दोनों ने कांग्रेस छोड़ दी। बाद में वो महागुजरात जनता परिषद पार्टी से सांसद बने। अगर नेहरू चाहते तो डाया भाई को कांग्रेस में रोक सकते थे, कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
डाया भाई पटेल के दो बेटे हुए विपिन और गौतम पटेल, लेकिन वो दोनों ही राजनीति से दूर रहे। एक तरफ जहां नेहरू गांधी परिवार ने अपने परिवार के सदस्यों का पूरा ध्यान रखा और महत्वपूर्ण पदों पर उनके लिए जगह बनाई रखी, दूसरी तरफ सरदार पटेल थे जो राजनीति में वंशवाद के घोर विरोधी थे। सरदार पटेल ने अपने परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों से यह कह रखा था कि जब तक मैं दिल्ली में हूं तब तक कोई दिल्ली में ना कदम रखे और उनसे संपर्क नहीं करेगा। अब आप कहेंगे ये क्या सरदार पटेल बोल रहे थे, अपने परिवार वालों से कह रहे हैं कि कोई दिल्ली नहीं आएगा। ये कमोबेश वैसा ही है जैसा नरेंद्र मोदी करते, वो भी परिवार को बाकी आम जनता जैसा ही व्यवहार करते हैं, पटेल जी के रास्ते पे चलते हैं वो। सरदार पटेल का दरअसल मानना था कि उनके पद के कारण लोग उनके नाम का दुरुपयोग कर सकते हैं। ये थे सरदार पटेल। सोचिए उनका जन्मदिन भी आज कितने लोगों ने ट्वीट किया होगा और कितने लोगों ने मनाया होगा ये पता नहीं। एक कहावत है कि राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता, खास तौर पर दोस्त तो बिल्कुल ही नहीं होता। इस बात का जवाहरलाल नेहरू ने ताउम्र पालन किया। जिन सरदार पटेल को वो अपना मित्र और मार्गदर्शक कहा करते, उनकी मृत्यु के बाद उन्हें और उनके परिवार को पूरी तरह भूल गए। पूछा तक नहीं कि सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल और बेटा डाया भाई पटेल किस हाल में है। कौन करता है बॉस ऐसा, सरदार पटेल के साथ इतना रहे और बेटा बेटी किस हाल में है मरने के बाद पूछा भी नहीं, क्या कर रहे हैं, किस स्थिति में जी रहे हैं। और यह ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इससे जुड़ी कहानी में आपको उस व्यक्ति की जुबानी सुनवाऊंगा, बताऊंगा जिस पर पूरा देश भरोसा करता था। वो आदमी लिख कर गया अपनी किताब में नेहरू जी ने पटेल जी की बेटी के साथ क्या व्यवहार किया। वो कौन है, आप में से बहुत सारे लोग वर्गीज कुरियन के बारे में जानते होंगे। वर्गीज कुरियन कौन, दूध के उत्पादन में श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं वर्गीज कुरियन, अमूल के संस्थापक, अमूल जो आप मक्खन खाते हैं उसके संस्थापक वर्गीज कुरियन, बहुत बहुत बड़े आदमी। उन वर्गीज कुरियन ने अपनी किताब आई टू हैड अ ड्रीम में सरदार पटेल की बेटी मणिबेन के बारे में क्या लिखा है पता है आपको। वो कहते हैं कि असल में गुजरात के किसानों से सरदार पटेल का गहरा नाता था और सरदार पटेल के निधन के बाद बेटी मणिबेन पटेल अमूल से जुड़े किसानों की समस्या के बारे में जानने के लिए अक्सर आनंद गुजरात जाया करती थी और वहां सांसद भी थी जहां उनकी मुलाकात वर्गीज कुरियन से होती थी। इसके बारे में वर्गीज कुरियन ने अपनी किताब में विस्तार से लिखा। सरदार पटेल ने अपने निधन से पहले मणिबेन को एक खाता बुक, एक बैग दिया और कहा कि बेटी मेरे निधन के बाद ये चीजें केवल जवाहरलाल को सौंप दें। उस बैग में क्या था बॉस आपको पता है, उस बैग में 35 लाख रुपए थे उस समय के, उस समय के 35 लाख रुपए अभी के करोड़ों हो गए। 1950 के 35 लाख रुपए बता रहा हूं पटेल साहब ने अपनी बेटी को दिया और कहा कि यह जवाहरलाल नेहरू को देना, किसी और को मत देना। वो पैसा किसका था, कांग्रेस पार्टी को मिले चंदे की डिटेल थी और वो चंदा था जो कांग्रेस पार्टी को मिला। ना पटेल साहब ने एक रुपया रखा, ना उनकी बेटी ने रखा, किसी को पता भी नहीं चलता। गरीबी के हालात में थी मणिबेन, लेकिन एक रुपया नहीं छुआ उसमें से। मणिबेन ने यह सब नेहरू को दे दिया उठाकर और नेहरू ने इसे लिया और क्या किया आपको पता है, मणिबेन को कहा थैंक यू। बस मणिबेन को लगा कि नेहरू उनसे कुछ पूछेंगे, वो इस बात का इंतजार करती रहेंगी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उठी और चली आई। नेहरू जी ने एक बार नहीं पूछा कि 35 लाख रुपया बेटी जमा करा रही हो, पिताजी अब नहीं रहे, तुम्हारा घर कैसे चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ नहीं, 35 लाख थैंक यू बस। ये वर्गीज कुरियन किताब में लिख रहे हैं। अच्छा, जैसे आपके मन में आ रहा होगा, उन्होंने कुरियन साहब ने भी पूछा उनसे, पटेल साहब की बेटी से, कि आप नेहरू से क्या सुनने की उम्मीद कर रही हैं। तब मणिबेन ने कहा कि मैंने सोचा शायद नेहरू जी ये पूछेंगे कि मैं अब कैसे काम चला रही हूं या मुझको किसी मदद की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये उन्होंने कभी पूछा ही नहीं। इस व्यवहार से मणिबेन बहुत आहत हुई। कुरियन ने आगे लिखा है कि मुझे हैरानी है कि उस दौर में कांग्रेस के ज्यादातर दिग्गज नेता भी उनसे कन्नी काटने लगे। इसमें ज्यादातर ऐसे नेता भी थे जिनकी कभी ना कभी सरदार पटेल ने मदद की थी, यानी पटेल के मरने के बाद सब बदल गया।
सरदार पटेल की मृत्यु के बाद मणिबेन के पास रहने तक की कोई जगह नहीं, रहने की जगह नहीं सरदार पटेल की बेटी के पास। सोचिए, पैसे की तंगी के चलते सरदार पटेल की बेटी मणिबेन को बिरला भवन में रहने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया और अहमदाबाद में अपने एक रिश्तेदार के घर चली। सांसद बनने के बाद मणिबेन को ट्रेन का फर्स्ट क्लास का पास मिलता था, लेकिन गांधीवादी होने के कारण वो पूरे जीवन थर्ड क्लास में सफर करती रही। उन्हें जो पैसे मिलते थे उन्हें वो लोगों की भलाई में खर्च कर देती, खुद गरीबी में थी लेकिन जो सांसद के नाते पैसा मिलता था वो गरीब पे खर्च कर देती। ये थी पटेल जी की बेटी। अब जो बात वर्गीज कुरियन ने लिखी उसे सुनकर आपको बहुत दुख होगा। अपने जीवन के आखिरी सालों में मणिबेन की आंखें बहुत कमजोर हो गई। अहमदाबाद की सड़कों पर वो अकेले पैदल चलते हुए दिख जाती थी। आंखें कमजोर होने से वो कई बार सड़क पर लड़खड़ाकर गिर गई। कोई अटेंडेंट नहीं, कोई सहायक नहीं, ये देश के लौह पुरुष सरदार पटेल की बेटी का हाल था। कांग्रेस अपनी विरासत समझकर इतने लोग बैठे हैं, वो सरदार पटेल की बेटी के लिए, उनके बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। सोचिए आप कि लौह पुरुष सरदार पटेल की बेटी की कैसी स्थिति रही होगी, कितनी परेशानी तंगाली को सहा उन्होंने, लेकिन नेहरू और इंदिरा गांधी ने उनके प्रति कैसा व्यवहार रखा। क्या नेहरू और इंदिरा गांधी को नहीं पता करना चाहिए था किस हाल में, और क्या उनको पता नहीं होगा? यह हमने किया है सरदार पटेल के परिवार के साथ। हमने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बतौर भारतीय हम सब ने चुप रहने का काम किया। नेहरू जी ने तो किया ही, छोड़िए उनसे क्या ही कहें। सरदार पटेल का जब निधन हुआ तब वो 75 साल के थे। निधन से 3 दिन पहले ही वो दिल्ली से मुंबई गए थे क्योंकि सरदार पटेल बहुत बीमार थे और डॉक्टरों ने उन्हें उस उम्मीद से मुंबई ले जाना तय किया कि शायद मुंबई का मौसम उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार ले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 12 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल वायुसेना के डकोटा विमान से मुंबई गए। एयरपोर्ट पर उन्हें छोड़ने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू भी आए थे, लेकिन मुंबई पहुंचने के 3 दिन बाद 15 दिसंबर 1950 की सुबह 3 बजे सरदार पटेल को दिल का दौरा पड़ा। करीब 4 घंटे तक वो बेहोश रहे। उसके बाद जब उन्हें कुछ होश आया तो उन्होंने अपनी बेटी मणिबेन से पानी मांगा। मणिबेन ने उन्हें गंगा जल में शहद मिलाकर चम्मच से पिलाया और सुबह 9:37 पर सरदार पटेल ने अंतिम सांस। सरदार पटेल के निधन के बाद क्या हुआ आपको वो भी सुनना चाहिए, पैरों तले जमीन निकल जाएगी। पटेल के निधन के 1 घंटे बाद ही संसद की बैठक बुलाई गई और वहां पर नेहरू ने पटेल के निधन के बारे में सदन को बताया। 1 हफ्ते का राजकीय शोक रखा गया और सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए। देश और विदेश से सरदार पटेल के निधन पर शोक संदेश आने लगे। पटेल के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए नेहरू और सी राजगोपालाचारी दिल्ली से मुंबई पहुंच गए, लेकिन नेहरू नहीं चाहते थे कि कोई और भी सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में जाए। मशहूर लेखक और नेता और शिक्षाविद के एम मुंशी की किताब है पिलग्रिमेज टू फ्रीडम, उसका पन्ना नंबर 289 और 290 खोलकर देख लीजिएगा। उन्होंने लिखा है कि जब सरदार पटेल का मुंबई में निधन हुआ तो जवाहरलाल ने अपने मंत्रियों और सचिवों को आदेश जारी किया कि वो सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में न जाएं। सरकार के मंत्रियों में मैं उस वक्त बॉम्बे के पास माथेरन में ही था। एनवी गाडगिल, सत्यनारायण सिन्हा, वीपी मेनन ने नेहरू के आदेश को नहीं माना और अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अंतिम संस्कार में जाने से रोक रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से भी मुंबई न जाने का निवेदन किया। यह बहुत हैरान करने वाला था, लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने भी उनकी बात नहीं मानी। के एम मुंशी ने अपनी इसी किताब में लिखा है कि नेहरू का मानना था कि राष्ट्रपति को किसी कैबिनेट मंत्री की अंत्येष्टि में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, इससे गलत परंपरा शुरू हो जाएगी। क्या पटेल सिर्फ कैबिनेट मंत्री थे? इस देश के लिए उनका इतना बड़ा योगदान और राजेंद्र प्रसाद को नहीं जाना चाहिए था, लेकिन नेहरू रोक रहे थे। हालांकि अच्छी बात यह है कि राजेंद्र प्रसाद वहां गए और सी राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद ने वहां पटेल की चिता के पास भाषण भी दिया, जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि सरदार के शरीर को अग्नि जला तो रही है
लेकिन उनकी प्रसिद्धि को दुनिया की कोई अग्नि जला नहीं सकती। सरदार पटेल के करीबी रहे वीपी मेनन के साथ काफी अरसे तक काम करने वाले ब्यूरोक्रेट एमके के नायर ने अपनी किताब द स्टोरी ऑफ एन एरा टोल्ड विदाउट इलविल में लिखा है कि जैसे ही नेहरू को पटेल के निधन के बारे में पता चला, नेहरू ने दो सरकारी नोट गृह मंत्रालय को भिजवाए। ये नोट वीपी मेनन के पास पहुंचे तो उस वक्त गृह मंत्रालय के सचिव थे वो। पहले नोट में नेहरू ने मेनन से कहा था कि सरदार पटेल जो सरकारी कैडिलैक कार इस्तेमाल कर रहे थे वो अगली ही सुबह विदेश मंत्रालय को भेज दी जाए। इतनी क्या हड़बड़ी थी सर। और नेहरू के दूसरे सरकारी नोट में यह कहा गया था कि सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में अगर कोई अधिकारी जाना चाहता है तो उसे अपने पर्सनल खर्चे पर मुंबई जाना होगा। उस वक्त गृह मंत्रालय के बहुत सारे अधिकारी सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते थे। बाद में गृह सचिव मेनन ने सभी एक साथ बुलाया और करीब 12 अधिकारियों को अपने खर्चे पर मुंबई लेकर गए। जब नेहरू को यह बात पता चली तो वो मेनन से बहुत चिढ़ गए। वो लिख रहे हैं, किताब में लिख रहे हैं, बॉस सरदार पटेल की अंत्येष्टि में लोग ना चाहें, ये क्या सोच है भाई, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। इतना दुख होता है सुनकर और गुस्सा भी आता है। सोचिए, ये सब नेहरू उस नेता के निधन पर कर रहे थे जो देश के गृह मंत्री नहीं डिप्टी पीएम भी थे और देश के सबसे मजबूत और लोकप्रिय नेताओं में एक थे। ये उनके अंत्येष्टि की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। हैरान रह जाएंगे कि इसमें ये इतनी भीड़ ना हो, इतने लोग ना हो, ये भी कोई चाह रहा होगा, सोच रहा होगा, ऐसा कोई सोच सकता है? आप हैरान रह जाएंगे जब आप सुनेंगे कि सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में कितने लोग शामिल थे। नेहरू के ये सब करने के बाद भी सरदार पटेल को अंतिम विदाई देने 10,00,000 लोग आए थे। अरे कैसे रुकता है क्या प्यार, 10 किलोमीटर लंबी भीड़ थी, 1500 से ज्यादा अधिकारी शामिल हुए, कोई रोके ना रुका। सरदार पटेल का निधन बॉम्बे के बिरला हाउस में हुआ था और उनका अंतिम संस्कार मरीन लाइंस में हुआ। लेकिन यह इतिहास का वो पन्ना है जो बहुत लोग नहीं जानते। अगर नेहरू सरदार पटेल की बात मान लेते तो चीन के मामले में हमें धोखा ना मिलता और हमें अपनी बड़ी जमीन भी ना गंवानी पड़ती। इसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। पटेल के परिवार, पटेल जी के साथ जो उन्होंने किया वो तो आपने सुना ही, लेकिन देश के लिए पटेल की जो सोच थी, सरदार पटेल जो विजन रखते थे, अगर उसको भी मान लेते नेहरू जी तो देश के लिए कितना भला हो जाता, वो भी सुनिए। सरदार पटेल ने पहले ही चीन को लेकर सावधान कर दिया था, तब चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया। सरदार पटेल ने 11 नवंबर 1950 को अपने आखिरी भाषण में कहा था कि दुनिया में तिब्बत जैसा शांति प्रिय देश कोई नहीं है, लेकिन चीन ने अपनी सेना तिब्बत भेज दी है। भारत ने तिब्बत मामले के शांतिपूर्ण समाधान के लिए चीन को सलाह दी थी, लेकिन चीन ने भारत की बात नहीं मानी और अपनी सेना तिब्बत भेज दी। चीन तिब्बत में विदेशी ताकतों के दखल की बात कर रहा है, लेकिन किसी भी बाहरी की तिब्बत में रुचि नहीं। कोई भी यह नहीं बता सकता कि चीन के इस कदम का नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन ताकत का इस्तेमाल डर और तनाव को पैदा करता है। यह बहुत मुमकिन है कि कोई देश अपनी सैन्य मजबूती और अपनी ताकत के नशे में चूर हो जाए तो वो सभी मुद्दे पर शांतिपूर्ण समाधान के बारे में नहीं सोचता। एक एक बात जो चीन को लेकर वो कह रहे थे सटीक थी। इससे ठीक पहले सरदार पटेल ने नेहरू को चीन के मामले में चिट्ठी लिखी थी। यह चिट्ठी 7 नवंबर 1950 को लिखी गई थी, तब तिब्बत पर चीन के हमले को एक महीना हुआ था। उस चिट्ठी में सरदार पटेल ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिखा कि चीन शांति की बात करके हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। वो हमारे राजदूत के मन में झूठा भरोसा बैठाता रहा है कि तिब्बत मामले का शांतिपूर्ण समाधान होगा। मेरे हिसाब से चीन की हरकतें विश्वासघात करने से कम नहीं है। हम चीन को दोस्त मानते हैं, लेकिन चीन हमें दोस्त नहीं मानता। चीन की सोच यह है कि जो उनके साथ नहीं है वो उनका दुश्मन है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारा पूरा डिफेंस कैलकुलेशन अब तक पाकिस्तान की सीमा पर रहा है, लेकिन अब हमें उत्तर और उत्तर पूर्व में कम्युनिस्ट चाइना का सामना करना है। उत्तर और उत्तर पूर्व से नया खतरा बन रहा है और सदियों बाद पहली बार भारत को दो फ्रंट पर एक साथ ध्यान देना होगा। कम्युनिस्ट चीन के तय उद्देश्य हैं और यह उद्देश्य किसी भी तरह से हमारे प्रति मित्रतापूर्ण नहीं है। ये थे विजनरी पटेल।
जो बता रहे थे कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता बॉस, और उसके बाद भी नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई ले गया वो भाई भारत का टुकड़ा काटकर। अगर पटेल की सुने होते, पटेल की अनदेखी, पटेल के परिवार की अनदेखी और पटेल के देश के प्रति जो सोच और विजन था उसकी अनदेखी, नेहरू ने क्या नहीं किया। इस चिट्ठी के करीब एक महीने बाद ही पटेल का निधन हो गया था, और इसके बाद के 10 सालों में चीन और भारत के बीच ऐसी स्थिति बन गई कि 1962 का युद्ध हुआ और उसमें भारत हार गया और भारत की बड़ी जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया, और वो कब्जा आज तक बना हुआ है। रामचंद्र गुहा की किताब है इंडिया आफ्टर गांधी, उसमें लिखा है कि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री ने संसद में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें यह आरोप लगाया गया कि चीन ने पंचशील के सिद्धांतों और भारत की एकतरफा दोस्ती और सदिच्छा के प्रयासों के साथ भारी हमला करके दगाबाजी की। यह दर्द महसूस करने लायक है कि हम भारतीयों ने उनकी दोस्ती चाही थी और उनके मुद्दों को विश्व पटल पर जोर शोर से उठाया था, अब खुद ही उस देश के साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीतियों के शिकार हो गए हैं। नेहरू ने अपने भाषण में वल्लभ भाई पटेल की उस चेतावनी को देर से स्वीकार कर लिया जो उन्होंने 1950 में दी। जो 1950 में पटेल कह रहे थे वो नेहरू जी को समझने के लिए 1962 का साल लगा, और उसमें भी भारत की हार हुई तब जाकर समझ